फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें फिज़िक्स के लॉ को मद्देनज़र रखते हुए एक्सप्रेस किया जाता है, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक वो जिन्हें हम बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं, बेसिक क्वांटिटीज़, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी भी चीज़ से डिराइव नहीं की जाती, ये जो है ये डिराइव नहीं की जाती। और जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि बेसिक क्वांटिटी से डिराइव की जाती हैं, यानी कि इन्हें डिराइव किया जाता है बेसिक से इन्हें डिराइव किया जाता है। बेसिक क्वांटिटीज़ जो हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसे पूरी दुनिया मानती है उसे सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। उस सिस्टम के अंदर ये बात मान ली गई थी कि जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं पूरी फिज़िक्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, वो सिर्फ 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। और इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटीज़ को पूरी फिज़िक्स के अंदर, आपकी किसी भी लेवल की फ़िज़िक्स हो, आपके ओ लेवल की, ए लेवल की, मैट्रिक की हो, या FSC लेवल पे हो, या BSc में फ़िज़िक्स हो, किसी भी लेवल पे आप फिज़िक्स पढ़ें, उस फिज़िक्स के अंदर जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं या जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं वो फिक्स हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ 7 हैं, उन्हीं 7 क्वांटिटीज़ से लातदार डिराइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। ये जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक ये 7 जो हैं वो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ में सबसे पहली क्वांटिटी लेंथ आ जाती है। लेंथ को हम लोग जो मेजर करते हैं वो मीटर में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल m है। जैसे कि आपने सुना है अक्सर हम लोग किलोमीटर भी लगा लेते हैं, लेकिन किलोमीटर जो है बेसिक यूनिट नहीं है, बेसिक यूनिट मीटर है जो कि लेंथ का यूनिट है। सिमिलरली मैथ को हम हमेशा, आपने देखा होगा कि फिज़िक्स में ग्राम से हम लोग जो हैं वो किलोग्राम में क्यों कन्वर्ट करते हैं। किलोग्राम में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि हर चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करें, और फिज़िक्स की लैंग्वेज में हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए उसको उसकी बेसिक क्वान्टिटीज़, उसके बेसिक यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। तो जो मैथ है उसका बेसिक क्वांटिटी जो है, बेसिक क्वांटिटीज चूँकि एक मैथ है और उसका जो यूनिट है वो किलोग्राम है जिसका सिंबल kg है। तो हमें, हमारे लिए ज़रूरी होता है कि अगर हमें ये कहा जाए कि ये 10 ग्राम जो है कोई चीज़ है, 10 ग्राम ये शुगर है, लेट्स से कि ये शुगर है, तो हमें ये 10 ग्राम शुगर को kg में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपको टाइम है, आपको ये बताया गया हो कि मैंने 2 घंटे का सफ़र तय किया, तो आप 2 घंटे नहीं बल्कि आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने 120 जो है वो सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्योंकि जो टाइम है वो डिस्टेंस को बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस को नहीं बल्कि टाइम ये बताता है कि आपने कितना वक्त लिया। और जो वक्त है वो हमेशा किसी काम को करने, किसी फासले को तय करने, कोई भी काम करने में कंज्यूम होता है, वक्त किसी काम को करने में लगता है। तो जितना वक्त आपको किसी काम को करने में लगा है उसे आप सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो मीन्स कि जो चार्जेस का फ्लो वगैरह होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एम्पेयर इसका यूनिट होता है, और इसे ए से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो टेम्परेचर है उसे केल्विन, के से, मोस्टली हम लोग जो है वो कह देते हैं ना कि 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो बेसिक क्वांटिटी के मुताबिक हमें इस 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में रिप्रेजेंट करना चाहिए। और जो 1 केल्विन होता है वो तकरीबन 273 के इक्वल होता है। तो हम हमेशा करते हैं कि 273 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसके अंदर हम लोग 25 को एडअप कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो केल्विन में आ जाता है। सिमिलरली जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है किसी भी चीज़ की जो है अमाउंट होती है उसे हम लोग मोल कहते हैं, और mol इसका यूनिट है और सिंबल mol है। इसी तरह किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी, अगर लाइट की इंटेंसिटी है तो उसे कैंडेला कहते हैं, और कैंडेला इसका यूनिट है और इसे रिप्रेजेंट cd में किया जाता है। तो ये वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो पूरी फिज़िक्स के अंदर, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। इन 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के अलावा कोई भी बेसिक क्वांटिटीज़ अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई, बल्कि ये एक फ़िक्स्ड है, एक सिस्टम बेसिक क्वांटिटीज़ के लिए फ़िक्स्ड कर दिया गया है जिसमें सिर्फ 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी शामिल है। अब अगर
अब अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात की जाए कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि बेसिक क्वांटिटीज़ से निकाली जाती हैं, यानी कि उनसे अखज़ की जाती हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल में आप ले लीजिए कि इसकी एग्जांपल में अगर मैं कहूँ कि स्पीड है, तो स्पीड को आप कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हैं? आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है, स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि आपने जितना फासला तय किया है और कितने टाइम में तय किया है उसकी रेशो स्पीड कहलाती है। अब डिस्टेंस जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ जो है हमारी बेसिक क्वांटिटी होती है, टाइम जो है बेसिक क्वांटिटी है, मेजर किया जाता है सेकंड में, लेंथ जो है वो मीटर में मेजर किया जाता है। तो हम जो है लेंथ की जगह ऊपर मीटर लगा लेते हैं और टाइम की जगह सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड का यूनिट आ जाता है और स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाती है जिसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह से हमने जो है स्पीड को डिराइव्ड किया है बेसिक क्वांटिटी से। टू बेसिक क्वांटिटीज़ ने आपस में कंट्रीब्यूशन किया, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया और हमें जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी दे दी जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड है। इसी तरह से जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से आता है। लेंथ जो है वो भी मीटर में मेजर किया जाता है। जो हमारे पास होती है हाइट वो भी मीटर में। इसके अलावा जो हमारे पास ब्रेथ या विड्थ आती है वो भी मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर जो है हमारे पास मीटर क्यूब बन जाता है जो कि वॉल्यूम का यूनिट है। इसका मतलब है किसी चीज़ का यूनिट का मतलब है कि यूनिट उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वो यूनिट है। जैसे कि मीटर क्यूब अगर कहीं भी लिखा हो तो आप इजीली जान जाते हैं कि मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। इसका मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है। तो बेसिकली हम समझाना ये चाह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि इन तीन बेसिक क्वांटिटीज़ के कंट्रीब्यूशन से निकलती है। सिमिलरली जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि दो बेसिक क्वांटिटीज़ जो है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब चूंकि वॉल्यूम एक चाहे डिराइव्ड क्वांटिटी है लेकिन उसके साथ मास लगा है, मास जो है एक बेसिक क्वांटिटी है, तो ये इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से हमारे पास डिराइव्ड करके आया है, इसलिए इसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम है, और जो वेलोसिटी है वो स्पीड के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, स्पीड हमें डायरेक्शन नहीं बताता। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी के लिए यहाँ पे मैं मीटर पर सेकंड लिख सकती हूँ और जो टाइम है उसके लिए सेकंड। तो ये जो चीज़ है नीचे आकर हमारे पास जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाती है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो भी एक डिराइव्ड किया हुआ है किसी चीज़ से, बेसिक क्वांटिटी से, तो हम एक्सेलरेशन को भी बेसिक क्वांटिटीज़ के अंदर लेते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं, चाहे उसके अंदर एक डिराइव्ड क्वांटिटी आ भी जाए, जैसे कि लग से आप कह रहे होंगे कि हम एक्सेलरेशन तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन उस डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर हम लोग जो है वेलोसिटी भी ले रहे हैं जो कि खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जो फोर्स है, जैसे कि फोर्स एम इंटू ए है, ई अब एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि डिराइव्ड की गई है, चाहे वो वेलोसिटी के साथ ही डिराइव्ड की गई है, लेकिन उसके साथ कंट्रीब्यूशन तो हमारी बेसिक क्वांटिटी नहीं गया ना। तो बेसिक क्वांटिटी का कंट्रीब्यूशन होकर ही एक चीज़ निकले तो उसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। मीन्स ये कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि दो बेसिक ही हों तो डिराइव निकले। अगर कोई डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि पहले ही दो बेसिक क्वांटिटी से बनकर आई है वो आगे एक और बेसिक क्वांटिटी से मिल जाए तो वो भी डिराइव्ड क्वांटिटी ही बनाती है। जैसे कि अब हमारे पास वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी जो है वो दो बेसिक क्वांटिटीज़ डिस्टेंस ओवर जो है टाइम इससे निकली थी, दोनों ही बेसिक क्वांटिटी थी, तो इन बेसिक क्वांटिटी से वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी ने टाइम जो कि एक बेसिक क्वांटिटी है उसके साथ कंट्रीब्यूशन करके हमें एक एक्सेलरेशन दे दिया। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ लीजिए, लेट्स से आपके पास स्पीड या वेलोसिटी है जो कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से आपके पास आती है, ये चीज़ आपको एक्सेलरेशन दे देती है। बल्कि दो आपके पास बेसिक क्वांटिटीज़ आई और उन दो बेसिक क्वांटिटीज़ से आपके पास जो है एक स्पीड बन गई। यानी कि अगर आप इसमें डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये वेलोसिटी बन जाएगा। अगर हम अभी सिंपल बात करें कि ये स्पीड है, लेट्स से कि स्पीड है, तो स्पीड जो है वो दो बेसिक क्वांटिटी से बनी। अब स्पीड जो दो बेसिक क्वांटिटी से बनी है, अब ये स्पीड चाहे सिर्फ एक ही बेसिक क्वांटिटी से कंट्रीब्यूशन करे
और देन एक और क्वांटिटी बना दे तो इस क्वांटिटी को भी हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे, चाहे इसमें सिर्फ एक बेसिक क्वांटिटी आई है। लेकिन एक बेसिक क्वांटिटीज़ के साथ जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो भी तो दो बेसिक क्वांटिटी से मिलकर ही बनी ना, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें चाहे एक बेसिक आ जाए और बेसिक के साथ चाहे एक डिराइव्ड आ जाए, तो असल में जो डिराइव्ड उस बेसिक के साथ आती है वो भी किसी बेसिक से ही डिराइव्ड की गई है। इसी तरह हम जो है इस एक्सेलरेशन को F इजिकल्स टू एम ए वाले रिलेशनशिप में इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्सेलरेशन चूँकि एक बेसिक और एक जो है डिराइव्ड क्वांटिटी से निकला है, तो उसे जब हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ भी एक बेसिक लग गया। तो जो हमारा बेसिक है वो मैथ है, मैथ चूँकि मेयर किया जाता है के जी में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाता है न्यूटन। इसका मतलब है फोर्स जो है वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, आगे फोर्स जो है मोमेंटम में इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह से ये सिलसिला चलता चला जाता है और मोमेंटम आगे इम्पल्स वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह से एक यूनिट से दूसरा यूनिट डिराइव होता चला जाता है और ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं डिराइव्ड यूनिट हैं। और ये किसकी हेल्प से निकलते हैं? ये जो है हमारे पास सेवन बेसिक क्वान्टिटीज़ की हेल्प से निकलते हैं। और इनके जो यूनिट्स होते हैं, जैसे कि यूनिट है, अगर फोर्स है, फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है, तो जो न्यूटन है इसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। जो बेसिक क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं उसे हम लोग बेसिक यूनिट्स कहेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल के अलावा हमारे पास तीन सिस्टम और भी होते हैं जो कि बेसिक। इसके अलावा जो है हमारे पास बेसिक यूनिट सिस्टम, बेसिक यूनिट्स सिस्टम, बेसिक यूनिट सिस्टम हमारे पास चार सिस्टम होते हैं। इन चार सिस्टम के अंदर जो है बेसिक यूनिट सिस्टम मतलब बेसिक क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं उन्हें हम लोग बेसिक यूनिट्स कहते हैं। और उन बेसिक यूनिट्स का भी सिस्टम होता है, जैसे SI सिस्टम है। सिमिलरली यहाँ पर जो है तीन सिस्टम और होते हैं, एक SI सिस्टम आ जाता है, फिर हमारे पास एक MKS सिस्टम आ जाता है। ये MKS सिस्टम है, ये SI सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक FPS सिस्टम आ जाता है और एक और सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं कि ये CGS सिस्टम है। तो ये चार सिस्टम जो हैं ये बेसिक यूनिट्स के सिस्टम होते हैं। ऐसे सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि मीटर इस्तेमाल किया जाता है लेंथ के लिए, मास के लिए, केजी, टाइम के लिए, सेकंड इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह एट्सेट्रा आगे यूनिट्स हैं। जबकि MKS सिस्टम में हमारे पास जो है लेंथ है, लेंथ के लिए एज इट इज़ मीटर ही इस्तेमाल होता है, और इसमें मास के लिए भी हमारे पास किलोग्राम इस्तेमाल होता है और टाइम के लिए भी सेकंड इस्तेमाल होता है। लेकिन जो FBS सिस्टम है, इस FBS सिस्टम में हमारे पास जो है मीटर के लिए यहाँ पर फुट इस्तेमाल होता है, मीटर के लिए फुट इस्तेमाल हो जाता है। मास के लिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्राम्स इस्तेमाल होता है, और सेकंड के लिए यहाँ पर हमारे पास जो है FPS सिस्टम में सेकंड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम में टाइम के लिए यहाँ पर भी सेकंड ही इस्तेमाल होता है, और जो मास है वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास लेंथ होती है मीटर, उसे हम लोग सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं CGS सिस्टम में। इसके अलावा जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें भी FBS सिस्टम में, CGS सिस्टम में और MKS सिस्टम में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बेसिक यूनिट्स का सिस्टम है कि SI के अलावा भी मज़ीद सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल इस्तेमाल किया जा रहा है वो सिर्फ SI सिस्टम है जिसमें मीटर, केजी, सेकंड वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और यूनिट्स का सिस्टम होता है जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, बेसिक और डिराइव यूनिट के अलावा। वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं।